पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके लोग खुददार स्वाभिमानी हैं और दुनिया की कोई भी महाशक्ति उनके लिए शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकती। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक ही समय में स्वतंत्र हुए। भारत में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, केवल कश्मीर के कारण हमारे बीच अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन भारत एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी राष्ट्र है। कोई भी देश भारत को धमकी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्रिकेटर से नेता बने इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं भारत को अन्य देशों से बेहतर जानता हूँ। कोई भी महाशक्ति भारत की विदेश नीति को नियंत्रित नहीं कर सकती। आरएसएस की विचारधारा के कारण ही भारत पाकिस्तान के संबंध टूट गए हैं। राष्ट्र के नाम उनका संबोधन पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक दिन पहले फैसला सुनाए जाने के बाद आया कि उन्होंने उन्हें बाहर करने के प्रयास को रोकने में असंवैधानिक रूप से काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान हूँ। मैं परेशान था क्योंकि जब डिप्टी स्पीकर ने जाँच की तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी जाँच करनी चाहिए थी। देश भर में रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए इमरान खान ने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोग सेना नहीं लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। लोगों के सामने आओ और चुनाव की घोषणा करो। भ्रष्टाचार में डूबा विपक्ष मुझे सत्ता से बाहर देखना चाहता है ताकि उनके खिलाफ मामले दफनाए जा सके। मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।